वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव जी महाराज की। आपको पता है समय हमें जीवन में ऐसा ज्ञान देकर चला जाता है जो कोई बड़े से बड़ा गुरु नहीं देता। अलग अलग रिश्तों की माया बता देता है, रिश्तों में कितना प्यार मिठास है यह बता देता है। आपका मित्र आपका कितनी परवाह करता है, आपका जीवन साथी आपका कैसा है यह कौन बताता है? समय। समय आपको उच्च पद तक ले जा सकता है अगर आप समय की वैल्यू रखें, यानी समय का महत्व जान लो। तो आज का टॉपिक मेरे घड़ी से रिलेटेड है, जो ज्योतिष ज्ञान, नंबरलॉजी, साइंस और ज्योतिष आचार्यों की फील्ड में, इस क्षेत्र में घड़ी का, समय दिखाने वाली घड़ी का कितना महत्व है आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ विशेष महत्व में जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ वह आप शायद नहीं जानते हैं। घड़ी के अंदर 12 ही समय होते हैं आप जानते हैं, साल का महीना भी 12 महीनों से जुड़ा हुआ है, नक्षत्र ये इत्यादि सभी ग्रहों के अंदर भी 12 ग्रह भी माने गए हैं। किसी किसी शास्त्र के अंदर विशेष तो 9 ग्रह ही माने गए जो हमारा कुंडली का पूरी तरह से अपना हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन घड़ी हमें किस जगह रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, कैसी घड़ी घर में प्रयोग करें, कैसा दर्शन किस समय करें, अगर आपको पता है तो बड़े बड़े पूर्वज लोग भले समय का निर्धारित सूर्य की ज्ञान से करते थे। सूर्य जिस तरह चलता, सूर्य अपनी गति पे रहते हैं उस तरह से वो अपने समय का निर्धारित करते थे। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। आज तो क्या कैलेंडर, मोबाइल इत्यादि उपकरणों से हम समय का पता लगा सकते हैं, लेकिन पूर्व समय के अंतर्गत, आधुनिक समय के अंतर्गत ग्रहों और सूर्य को देखकर ही समय की अनुभूति हमारे पूर्वज करते थे। क्योंकि पता था समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय वह काम कर जाता है जो बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते। समय आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। घड़ी एक ऐसा उपकरण है, ऐसा वास्तु टिप से, ऐसी एक साइंस है जो आपके जीवन में इतना खतरनाक चमत्कार कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से दिशा निर्धारित करके रखो। और किस तरह से, किस घड़ी को आपके घर के अंदर अवश्य ही अवश्य रखना है। चलिए आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे कि घड़ी कैसी हो। आपको पता है कि ग्रह, जितने ग्रह हैं सब गोल राउंड के हैं। आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है, इत्यादि 9 ग्रह सभी गोल प्रवृत्ति के। तो वह क्या समय निर्धारित करती है, इसलिए आपको अपने घर में गोल वृत्ताकार का ही आपको घड़ी रखनी चाहिए। उसके अंदर ना कोई चित्र हो, कुछ नहीं हो, सिंपल घड़ी रखिए। और किस दिशा में रखना यह भी बताऊंगा, क्योंकि सिंपल घड़ी आपके जीवन में चेंजेस अवश्य ही अवश्य लाएगी। आप यह साइंस भी प्रूफ करता है कि उसके अंदर ऐसी तरंगे उत्पन्न होती है जो ग्रहों को आपके जीवन में अच्छे सकारात्मक ऊर्जा लाती है। घंटी जिस तरह से उसके अंदर बेल बजती है, जो रिंगटोन होती है उसके अंदर, वह घड़ी भी बहुत ही शुभ मानी गई है घर के अंदर रखने से। दूसरा, आपको किस दिशा के अंदर घड़ी रखनी चाहिए, उत्तर और पूर्व दिशा, यह आपके जीवन के अंदर यह दोनों दिशा इतने बड़े चमत्कार ला सकती है, क्योंकि इन दिशाओं के अंदर ही पॉजिटिव एनर्जियों का वास रहता है। आपके ईशान कोण में देवी देवताओं का वास रहता है। ईशान कोण में घड़ी नहीं लगानी है, लेकिन मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ। उत्तर दिशा आपके जीवन के विभिन्न पॉजिटिव डिस्पोजल जो आपके सामने प्रदर्शित होते हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी अच्छी एनर्जी आती है। इसलिए तो वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा में खिड़कियां लगाना मान्य है। सीढ़ियां चढ़ती सीढ़ियां भी उत्तर दिशा में लगाई जाती है, जिससे आपकी सर्व इच्छाएं पूरी हो। और घड़ी को भी उत्तर और पूर्व दिशा में अवश्य ही लगाए। घर जहां नहीं लगानी है घड़ी, वह सुन लीजिए, आपको मेन दरवाजे के ऊपर, जहां मेन दरवाजा होता है उसके ऊपर घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। या जहां से आप चलते हो उसके बीच में अगर कहीं जगह, घर का दरवाजा आ जाए या ऐसी जगह हो, वहां आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट यानी पश्चिम, इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा के लिए है। ईस्ट और नॉर्थ आपके इस दिशा में आप घड़ी लगा सकते हैं, वेस्ट और साउथ में घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घड़ी उस दिशा में लगाते तो नेगेटिव एनर्जी आती है। वो एक चीज और मैं बता देता हूँ,
कि घड़ी कैसी हो, आपके घर में अगर बंद घड़ियां हो तो आप तुरंत उसे बेच दीजिए, अगर घड़ी खराब हो गई हो तो आप तुरंत उसे निकाल दीजिए, दूसरी बार उसको ठीक कराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है घड़ी हमें संकेत भी देती है कि आपके जीवन में किस तरह से नेगेटिव एनर्जी अटैक होने वाली या नकारात्मक चीज आपके जीवन में प्रवेश होने वाली या दुर्घटना का भी संकेत घड़ियां दे देती है अचानक से बंद होकर। तो आप ऐसी घड़ियों को घर के अंदर ना रखें, अगर खराब हो गई है तो उसे तुरंत ही चेंज कर ले। अब कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर की घड़ी यूज नहीं करनी चाहिए, व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन, येलो, यह मतलब पीला कलर, हरा कलर, कथकली कलर जैसे कॉफी कलर भी कह सकते हैं, सफेद कलर, यह ऐसी घड़ियां यूज कीजिए। और सिंपल, जितनी साधारण घड़ी अगर आप यूज करते हैं आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। शुक्रवार के दिन आप घर के अंदर घड़ी लगाइए, मंगलवार के दिन घड़ी लगाइए, गुरुवार के दिन आप घड़ी लगाइए, लेकिन बुधवार और रविवार के दिन कभी घर में घड़ी नहीं लाकर नहीं लगानी चाहिए। इन चीजों को कीजिए, छोटे छोटे उपाय करके देखिए जीवन में चमत्कार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस प्यारे से चैनल में आप लोग अपना आशीर्वाद, साथ और सहानुभूति प्रकट कर आप हमारे जो इस चीज से माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना प्रेम बरसा सकते हैं। जय श्री महाकाल।